किशनगंज के ठाकुरगंज में सोमवार को प्रखंड के अलग अलग हिस्सों में बड़े ही धूमधाम के साथ लोक आस्था का महापर्व पूजा अंतिम दिन छठ व्रतियों ने उगते सूरज को अर्घ दिया। अर्घ लोदाबारी घाट, आदर्श सात डाला घाट, भात डाला घाट, कांची छठ घाट, महानंदा घाट, चेगा घाट, मेची घाट, सभी छठ व्रतियों ने छठी मैया से देश के लिए अमन और शांति के लिए प्रार्थना की। लोक आस्था का महापर्व छठ अहले सुबह उगते सूर्य को अर्घ अर्पित करने के साथ ही संपन्न हो गया है। छठ पर्व के अंतिम दिन छठवर्तियों ने विभिन्न छठ घाट पहुंचकर उगते सूर्य को अर्घ अर्पित किया। इसके बाद श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। जिले भर के विभिन्न छठ घाटों पर सुबह 3 बजे से ही छठवर्तियों की भीड़ उमड़ने लगी, जहां पर छठ घाटों पर खड़े होकर छठवर्तियों ने भगवान भास्कर के उदय होने का इंतजार किया, जहां सुबह होते ही उदयमान सूर्य को अर्घ अर्पित कर भगवान भास्कर की पूजा अर्चना की। इसके साथ ही 4 दिवसीय लोक आस्था का महापर्व शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गया। वहीं झाला रेड रिबन क्लब के सदस्यों ने मिलकर छठ व्रतियों को शरबत और चाय से स्वागत किया। इसी मौके पर सरपंच राजीव पासवान ने बताया कि रेड रिबन क्लब के माध्यम से हर संभव लोगों की मदद करते हैं, जिनमें अभी इस रेड रिबन क्लब में लगभग 30 से 40 युवा ही जुड़ा हुआ है। वहीं रेड रिबन क्लब के अध्यक्ष लूडो कुमार पासवान ने कहा कि अगर कोई गरीब किसी भी परेशानी में पड़ जाते हैं तो हम लोग उसकी मदद करते हैं। इसी दरमियान भाजपा जिला महामंत्री बिजली प्रसाद सिंह ने बताया कि ठाकुरगंज में छठ का त्योहार बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया और उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी बात मुझे खुशी इस बात की है कि ठाकुरगंज की जमीन पर गंगा जमुनी तहजीब का एक पूरे देश में मिसाल पेश किया जाता है। यहाँ हिंदू मुस्लिम दोनों समुदाय के लोग मिलकर एक दूसरे का त्योहार को बड़े ही सादगी के साथ निभाते हैं, जिससे लोग काफी उत्साह देखने को मिला। बिजली सिंह ने बताया कि थाना अध्यक्ष सतीश कुमार हिमांशु, अंचल अधिकारी ओम प्रकाश भगत, प्रखंड विकास पदाधिकारी सुमित कुमार एवं 19वीं वाहिनी के सशस्त्र सीमा बल के जवानों सहित स्थानीय जनप्रतिनिधियों का काफी अहम भूमिका रही है, जिसमें प्रशासन की ओर से हर तरह की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी गई, जिसको लेकर भाजपा जिला महामंत्री बिजली प्रसाद सिंह ने जिले के सभी प्रशासन को बधाई दी। देखिए, हम लोग हर साल से याद करते आ रहे हैं और हमारे छठ घाट कहीं दूर है, वहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। इस कारण हम लोग अपने रास्ता में रोक के श्रद्धालु को शरबत चाय की व्यवस्था हम लोग करते आ रहे हैं बरसों से, और ये जब तक हम लोग क्लब रहेगा तब तक ये चलते रहेगा। ये इतना बड़ा खर्चा किस तरह से उठा रहे हैं आप लोग? ये हम लोग पूरा कमेटी के लड़का है, सब मिलजुल के करते हैं, इसमें किसी से कुछ लेन देन नहीं हम लोग कर रहे हैं। लगभग कितनी इस क्लब में जो है के कमेटी के युवा है? हम लोग कम से कम 20-25 लड़का हैं जी, सब मिलजुल के करते हैं और हम लोग सोच रहे हैं कि सारे जीवन जब तक हम लोग रहें जी तब तक ये अभियान चलते रहे। सिर्फ यही पूजा में ना, और पूजा में हम लोग हर पूजा में हमारे क्लब सबके साथ हमेशा रहती है और रहेगा। आज के इस प्रोग्राम में जो है कि किस किस चीज का जो है कि सुविधा है? हमारे यहाँ शरबत है, लाल चाय के लेमन टी है, ये सुविधा है। आने जाने की रोड में किसी तरह की कोई दिक्कत हो उसको देखना है, साफ सफाई है, मेडिकल है, लाइट है, हर सुविधा है। अब इस पंचायत का सरपंच है और छठ के लिए किस तरह का जो है कि इंतजाम किया गया था? इंतजाम में देखिए, हम साफ सुथरा यहाँ से घर तक साफ सुथरा भी करवाया, लाइट भी लगवाया, शरबत लाल चाय की व्यवस्था किया, मेडिकल की व्यवस्था है, किसी तरह की कोई श्रद्धालु को कोई आपत्ति नहीं आना चाहिए। इस शुभ अवसर पर लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? बस सब मिलजुल के पर्व निकाले, पर्व करें, यही हमारा उपदेश है, सब भाईचारा बना के रखें। शुभ अवसर पर सभी माता एवं बहनों की बधाई देते हैं, हमारे तरफ से शुभकामनाएं छठ पूजा की। देखिए, हम रिबन क्लब से लोग मोटा मोटी 10 साल से इस पर काम कर रहे हैं, उसके बाद रेड रिबन के हम अध्यक्ष हुए और जो हर साल छठ पूजा हो या कोई भी पूजा हो, जहाँ तक हम लोग की टीम से मदद होती है हम उतना करते हैं। रह गया छठ घाट में, हम लोग लोदाबारी से लेकर घाट तक झाड़ू लगवाया, साफ सफाई के काम किए, उसके बाद लाइट जहाँ व्यवस्था था हम लोग के स्वच्छता से हैलोजिंग लगवाए, हर जगह घाट तक पहुँचा दिए, लेकिन वहाँ जहाँ घाट है वहाँ तक हमसे सुविधा नहीं हो पाएगी, इसलिए हमारे टीम में उतना बजट है नहीं और हम बाहर से कहीं से हम लोग की मदद है नहीं जो हम लोग आगे कर सके, इसलिए हम लोग को जहाँ तक होती है हमारे
पूरा ही क्लब की ओर से हम लोग करते हैं। इसके बाद अभी सुबह में शरबत की व्यवस्था किए हैं, लेमन टी चाय है, और किसी प्रकार अगर चोट पोट लग गया उसके लिए हम लोग को मेडिकल टीम छोटा मोटा अपना रखे हुए हैं। उसके बाद अगर किसी प्रकार के अगर बड़ा हो जाए इसके लिए हम लोग आगे भी खड़ा है। रेवन क्लब मजबूती को लेकर आगे के लिए क्या करेंगे? आगे के लिए हम लोग ये है कि हम लोग आज भी 20 हैं, उसमें 50 जोड़ेंगे और बहुत सख्त का इस पे काम करेंगे। रेड रिबन के हम लोग ने रखे हैं इसलिए कि किसी भी प्रकार के इसमें हम लोग बताते भी हैं। पहले तो हम लोग बताते थे गांव-गांव में कि कुछ बीमारी के बारे में भी बताते थे हम लोग, HIV एड्स के बारे में। इसके थ्रू हम लोग क्लब खोले हैं, इसमें गांव समाज में भी सेवा करते हैं। क्या इस क्लब के माध्यम से गरीब तबके के लोगों को लाभ मिलता है? हमारे टीम में अगर हमारे क्लब उतना बजट नहीं, हम लोग दूसरे से भी मांग के इधर उधर चंदा वेरी करके उनको करवाते हैं। शादी ब्याह हो हमारे गांव में एक, और दूर दूर भी गांव में कहीं भी होते हैं जो गरीब आदमी बीमार हो गया फलना चलना, हम लोग अपने पास जो है वो तो देते ही हमारे टीम से, बाकी बाहर से चंदा करके भी हम लोग उसमें दिलवाते हैं। क्या नाम है? मेरा नाम लूडो कुमार पासवान है। छठ महापर्व का जो आज अंतिम दिन रहा और जो है कि छठ घाटों में काफ़ी लोग हर्षोल्लास के साथ छठ महापर्व शांतिपूर्वक से मनाया, क्या कहना चाहेंगे? सर्वप्रथम तो आपके चैनल को मैं बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ। छठ पर्व की बात ही नहीं, यहाँ वो जो भी पर्व होता है, गंगा जमुनी तहजीब जो यहाँ है ये बरकरार है। हम दोनों समुदाय मिलकर के हर पर्व को बहुत खुशी खुशी मनाते हैं। ईद हो, मुहर्रम हो, दिवाली हो, होली हो या छठ पर्व हो, हम लोग साथ साथ सबको मिल करके मनाते हैं और बहुत हर्षोल्लास के साथ साथ मनाते हैं। साधुवाद मैं अपने तरफ से यहाँ के प्रशासन को देता हूँ जो चुस्त दुरुस्त हो करके सौ समय हर फंक्शन में अपना जो है रोल अदा करके बाखूबी निभाते हैं। इनकी किस तरह से योगदान रहा प्रशासन का? बहुत ही अच्छा रहा। हम लोग महानंदा घाट तैयबपुर खरना जाते हैं और वहाँ पे सालों साल जो है बढ़ते जा रहा है, इस बार करीब 1 किलोमीटर प्लस ठाकुरगंज के साइड से था और तैयबपुर के साइड से 4 जगह था, वो भी 1.5 किलोमीटर के साइड में था और भव्य तरीका से मनाया गया और प्रशासन का पूर्ण सहयोग रहा। प्रशासन में BDO साहब, CO साहब, थाना अध्यक्ष, SSV के जवान, डॉक्टरी सुविधा, ये सारा व्यवस्था। प्रशासन की टीम लगातार काफ़ी जो है कि अहम भूमिका निभाती है, बढ़िया रूप से निभाए, वो अपने दायित्व को बहुत बढ़िया से निभाए। क्या मैसेज देना चाहेंगे? हम लोग जैसे थे जैसे हैं वैसे ही बना हुआ रहें, यही जो है छठ मैया से हम प्रार्थना करते हैं। हम दोनों समुदाय गंगा जमुनी तहजीब को बरकरार रखते हुए निरंतर आगे की ओर बढ़ते चले, बिहार को नित्य प्रतिदिन आगे की ओर बढ़े, यही हमारा शुभकामना।